Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Comedywalas. Madam, मेरा मैगज़ीन तो ना मैगज़ीन। अरे संजू। पहचाना? हाँ। अरे जीते रहे जीते रहे। जीते रहो नहीं थोड़ा लेज़ बन रहा था। अच्छा। क्या हाल है बेटा? बढ़िया सब मस्त एकदम पाव भाजी जैसा। और क्या चल रहा है यहाँ पे कैसे आना हुआ? मैं एक्चुअली जा रहा हूँ अमेरिका। क्या हो गया? कुछ नहीं आँख में कुछ। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये लो। क्या? कोई भी ऐसा विश मांगो अब। अरे नहीं नहीं, मैं ये सब मुझे कोई विश नहीं चाहिए। अरे रुको, फिर मैं मांग लेता हूँ, मेरे को विश की बहुत जरूरत है। क्या विश मांगा? एक्चुअली ऐसा विश बोलने का नहीं रहता है, लेकिन मैंने ये विश मांगा कि आप मुझे गाना सिखाओगे। तो मुझसे ही कह देता पगले। ठीक है, सिखाऊंगी। सिखाओगे? या यस। लेकिन गाना सीखने से पहले फिट रहना जरूरी है। हाँ। मतलब एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेरा पूरा चालू है। नहीं नहीं, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम मतलब? जैसे सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अरे यार दीदी बस करो, ये अंदर बाहर करके मैं परेशान हो गया हूँ। दूसरा कुछ बोलो। हाँ ठीक है, मैं तुझे कुछ गा के बताती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ हो जाए, गाना हो जाए। बता कौन से नोट से शुरू करूँ? आप एक काम करो, 1000 के नोट से चालू करो पहले। अरे बेटा वो वाला नोट नहीं। दर्द हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं, चुप कर। अरे दुरुज अक्षिणा समझ के रखो ना आप। ये लो शर्माओ मत, रखो आप। अरे दे ही रहा है तो रख लेती हूँ। यो बेबी। अरे ये कौन बेचारा बेटा, आज मैं तुझे छोड़ा हूँ, कहाँ चलना बेटा? मैं यो यो सिंह बेबी। बेबी नहीं हूँ मैं, दीदी हूँ। अजीब जनरेशन है, बुड्ढे को बुड्ढा को तो प्रॉब्लम है, दीदी को बेबी बोलो तो प्रॉब्लम है। क्या बेटा क्या तकलीफ है, पैर ऐसे क्यों टेढ़े किए तूने? मेरा ऐसे ही है। अच्छा छोड़, ये बता कितने का दिया? 2 ग्राम है या 3 ग्राम? ये मेरा पर्सनल है, इट्स रियल गोल्ड ऑफ यो यो सिंह। अच्छा सॉरी सॉरी, मुझे लगा तो एयरपोर्ट पे ऐसे ज्वेलरी बेचने के लिए आया है। बंदे को वैसे यो यो सिंह कहते हैं। अच्छा और तुझे? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा बेटा रुमाल दे। इट्स माय स्टाइल, इट्स माय घाघरा। बेटा ये क्या हाल बना रखा है तूने, ये कपड़े किसके पहने, ये रुमाल तूने सिल लिया है, क्या क्या बुरी हालत की है बेटा। एक काम कर, कट रुमाल, चल बैठ जा, हुन चेन कट, एक सुई ला, हुन धागा दे, हुन धागे बेच, तू सुई पा, तू सुई पा, फिर मेरे को दे, मैं सिल दू, तू पा ले, कर पैसे, मेरी बात सुन, अरे सुन ले तू, कर ना, अरे दे दे, सुन ना। Yeah! आपने तो मुझे सबसे हिट गाना दे दिया। मैंने? सुपर हिट। अरे मैं कह रही थी कि कपड़े ला, मैं खाली बैठी हूँ, सिल के दे दूँ। So silly. अच्छा छोड़, ये बता तू जा कहाँ रहा है? मैं जा रहा हूँ कनाडा। अच्छा? अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने, जिसकी लंबी लंबी हाइट हो, ब्राउन बाल हो, ब्लू आईज हो, और गोरा गोरा रंग और पानी ब्लू ब्लू हो। दीदी मैं सीरियस रिलेशनशिप के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई मिलती नहीं। अच्छा वैसे बेटा एक बात बताऊँ? हाँ। ये शादी के पहले सब यो यो होते हैं, लेकिन बाद में जगतजीत सिंह बन जाते हैं। मेरा ऐसा नहीं है। हाँ। मैं तो पहले भी यो यो था और बाद में भी यो यो रहूंगा। दीदी। अरे
कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तो यहाँ क्या कर रहे? अच्छा छोड़, कैसा है तू? लड़के ने मारी लड़की पे लाइन, लड़के ने मारी लड़की पे लाइन। अनु इज वेरी फाइन, अनु इज वेरी फाइन। आग लग गई। हाँ। वैसे आपने मुझे पहचान लिया है, इससे बड़ी बात अनु के लिए कोई नहीं, आपने उसके टैलेंट को नहीं पहचाना। नहीं अनु भाई, तुझे कौन भूल सकता है, कोई नहीं। मेरे टैलेंट को पहचाना? टैलेंट 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 सब याद रखते हैं तुझे, पता है भाई? लोग जब भी मिलते हैं तुम्हारी बातें करते हैं। मुझे तो ये भी सुनने में आया था, लोग कह रहे थे कि बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स जो है वो गाने को कॉपीराइट करते हैं, लेकिन तू गाने को राइट कॉपी करता है। सब जलते हैं मेरे से, सब जलते हैं, जलते जलन 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 मेरे गले से जलते हैं, अन्नू के गले से जलते हैं सब लोग। दीदी वैसे आप कहाँ जा रही है? मैं बेल्जियम। अरे मैं भी बेल्जियम जा रहा हूँ। हद ही हो गई कॉपी करने की अब तो। माँ की कसम खा के बोलो, मैं बेल्जियम जा रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है, पिछले हफ्ते प्रीतम गया था, बेल्जियम गया था, वहाँ से वापस आया तो उसके पास दो तीन सुपरहिट गाने थे, तो मैंने सोचा मैं भी जाऊँगा, एक हाथ मार के आऊँगा, सुपरहिट गाने बनाऊँ। सुपरहिट गाने अन्नु अन्नु अन्नु। हाँ हाँ समझ गई समझ गई। वैसे बेटा एक बात तो है भाई, तू प्रीतम से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, मतलब उससे ज्यादा आगे है। जैसे प्रीतम 100 है तो तू 105, प्रीतम 200 है तो तू 210, प्रीतम 300 है तो तू 315, प्रीतम 400 है तो तू 420। क्या बोल दे? कुछ नहीं कहा। क्या बोल दे? दीदी लग रहा है आप आज पूरे मूड में हो कि आप मेरी टांग गिरी को, मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूं। टाइम हो गया बेटा, कभी कभी तो मैं मूड में आती हूँ। बात तो है, मूड में मतलब मैं चलता हूँ। दीदी बैठ ना, बैठ बैठ इधर, तो नाराज हो जाता है बाद में, डिसअपॉइंट हो गए। हाँ अब तो तुझे आदत पड़ जानी चाहिए। अच्छा ये बता भाई, ये जो रैपर लोग होते हैं ये ऐसे इतना तेज तेज क्यों गाते हैं बेटा? अरे दीदी रैपर लोग का मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं इसलिए तेज गाता हूँ ताकि जिसका ये गाना है वो उधर आके मुझे पकड़ ना ले, इसलिए मैं गा के निकल जाता हूँ। दीदी आप फुर्सत में आइए, मेरे घर पे आइए, आपको मेरा टैलेंट दिखाता हूँ। मेरा घर तो आपको मालूम होगा, ऊंचा है अपार्टमेंट, लिफ्ट मेरी बंद है, मैं नहीं सीढ़ी चढ़ सकती, मेरे पैरों में दर्द है। वाह 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 क्या बोला, आग लगा दीदी, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, दिल में आग लग गई, अनु के दिल में, दिल में, दिल में, दिल में आग लग गई। क्या गाया आपने, क्या पोएम बनाया, नया गाना बनाया? अरे वाह अनु खुश हो गया, अनु खुश हो गया। आपको जो भी चाहिए, आपके दिल में जो भी है मुझे दे। मैं ऐसा हूँ, दुष्ट पुष्ट। वो तो दिख रहा है, लेकिन कैसा है तू? बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं, क्या कर रही हैं आप? मैं तो बस ऊपर जाने का इंतजार कर रही हूँ। चुप बोलो, चुप चुप बोलो। नहीं नहीं ऊपर मतलब फ्लाइट, फ्लाइट का इंतजार कर रही हूँ। खाली बैठी थी तो सोचा रिडल सॉल्व कर लूं। रिडल? इंटरेस्टिंग, मैं हेल्प करूं? बॉलीवुड में सबकी हेल्प करता हूं। आप कहें, मैं सूरज नहीं, इसमें मुझे चांद नजर आ रहा है, चांद को भी लॉन्च कर देता, सबको लॉन्च करता हूँ, कुछ हेल्प करो आपकी। रिडल रिडल, लेट मी सॉल्व रिडल। तो ठीक है, एक पहेली पूछती हूँ। एक घर में, एक कमरे में तुम्हारी माँ और गर्लफ्रेंड दोनों फंसे हैं और आग लग गई, तो तू किसे बचाएगा? ऑफ कोर्स मैं मेरी माँ को बचाऊंगा, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई ना कोई बचाने आ ही जाता है हर बार। क्यूचन। अच्छा ये बता तू जा कर रहा है? मैं जा रहा हूँ शूटिंग करने। जोधपुर? वो वाली शूटिंग नहीं, चल वाली, ये वाली। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। अरे कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, विराजमान हो जाइए। आप भी बैठिए। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कहाँ के लिए जा रहे हैं आप? अरे मैं तो बस ऐसी थोड़ा सा हॉलिडे पे निकली थी, ग्रीस सोचा हुआ। ग्रीस? ग्रीस क्यों जा रही हैं? देखिए मैं आपको सलाह दूंगा कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, ये गुजरात का प्लान है, बहुत ही बढ़िया, आपको मजा आएगा। ये
12 nights, 13 days. अरे नहीं 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 भाई, गुजरात में बहुत गर्मी है आजकल तो. अरे गर्मी के लिए भी हमारे पास है ये ठंडा ठंडा कूल कूल तेल, रावत रतन तेल. नहीं नहीं मुझे तेल नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मेरे बाल देखे ऐसे ही लंबे हैं. ठंडा हो जाएगा सब कुछ. नहीं 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 ठंडा नहीं चाहिए. आप एक काम कीजिए, सबसे बेस्ट और टिकाऊ ऑप्शन, आप पंजाब चले जाइए. नहीं नहीं पंजाब वैसे तो अच्छा है, लेकिन उसका भाई खाना वहाँ का बहुत तीखा है, मेरा गला जलता है. तीखे के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया कुछ मीठा हो जाए. ये मीठा तो आपको खाना ही पड़ेगा. वैसे दीदी आपके साथ कोई बच्चा उच्चा ट्रैवल कर रहा है क्या? नहीं बच्चा तो नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसको ये दो बूंद जिंदगी के स्वरूप लाए और इस देश को बचाइए. वो तो ठीक है. वैसे बच्चे से मुझे याद आया, अभिषेक कैसा है? नो आइडिया. नो आइडिया. और ऐश? ऐश बहुत मस्त. क्या? She is very nice. अच्छा अच्छा. और वो छोटी? छोटी तो आजकल चलना सीख रही है. अरे नहीं 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 मैं वो छोटी बच्ची आपकी पोती की बात नहीं कर रही, मैं तो जया जी की बात कर रही हूँ. अगेन नो आइडिया. वैसे आपके घर पे सब कुशल मंगल? हाँ सब सब अच्छे हैं. हेलो चाची. अरे चाची नहीं दीदी हूँ मैं. चाची दीदी एक ही होता है. कौन हो तुम बेटा? चिल्का सिंह. नहीं 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 यहाँ पे कोई चिल्का विल्का सिंह नहीं, सिर्फ दीदी सिंह. आप समझी नहीं, मैं हूँ चिल्का सिंह 200 मीटर. अरे देखने में तो 600 मीटर लग रहा है. You're taking me wrong. मैं फरान हूँ, मुझे पहचानो फरान. अच्छा बेटा माफ करना, नहीं पहचाना. इसे बताओ मैं तुम्हें दीदी. अरे मैं फरान हूँ, एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर सिंगर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट. ये कब से? 3 सालों से. तो बेटा इलाज क्यों नहीं करवाया इतनी बड़ी बीमारी? आप समझ नहीं रहे हो, मैं जावेद जी का बेटा हूँ. अच्छा? हाँ. अरे जावेद आफरी का लड़का इतना बड़ा हो गया? वक्त कितनी जल्दी आगे बढ़ता है. ओ हेलो जावेद आफरी नहीं, अरे मैं वो जावेद जी का बेटा हूँ. मंजिया है तो फासले है, फासले है तो रास्ते, रास्ते है तो हौसले, हौसले है तो भोसले, और भोसले है तो आशा. आशा के ऊपर से पूरी दुनिया का है मैं, और दुनिया भर जहाँ पे ऐसा वो 1.5 घंटे तक बोल सकते. समझ गया. अरे वही ना जो लोगों को बहुत ज्यादा गीला शिकवा करते हैं. वैसे यहाँ क्या कर रहा है एयरपोर्ट पे? बस ऐसे जीते रहे जीते रहे. जीते रहे नहीं हाँ. जूते रहे, मैं लेट बांध. कहाँ की फ्लाइट है तुम्हारी? मैं अमेरिका जा रहा हूँ. अच्छा yeah. अरे मैं भी वही जा रही हूँ. अच्छा हाँ मेरा कॉन्सर्ट है, ये देख मेरे म्यूजिशियन दादा लोग. ओह हाय हाउ यू डूइंग गुड. तू भी आना सुनने? नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा. क्यों? क्योंकि मैं अमेरिका 2020 में पहुंचूंगा. ऐसा क्यों? मैं भाग के जा रहा हूँ. तिबक्तू अवस्ते कमक्तू तिबक्ते. क्या? लैटिन भाषा में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दीदी कैसी हो, कहाँ जा रही हो? ये भाषा लतीनो है. तिबक्तू. ठीक है लतीनो हो या कोई और भाषा तो भाषा होती है. जी बिल्कुल. और वैसे बताऊँ कोई भी भाषा हो ना बहुत फनी होती है. जैसे इंग्लिश ले लो, अब अंग्रेजी में क्या है, मतलब आई का मतलब भी मैं और मी का मतलब भी मैं. मेरा तो एक ही कहना है, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती फिर भी आपको बोलनी है तो उनके सामने बोले जिनको नहीं आती. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो जापान जाके अंग्रेजी बोली, उन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, आप जो कहोगे उनको नहीं समझेगा. इसीलिए मैं शायरी हमेशा उर्दू में लिखता हूँ. ये देखिए देखिए पढ़िए. अरे ठीक है ठीक है मुझे नहीं देखना. Flight number BA223 to Mumbai is delayed by 2 hours. Oh no! Oh shit! आज फिर से फ्लाइट लेट हो गई. अब टाइम पास कैसे करें? एक काम करते हैं, चेस खेलते हैं. नहीं नहीं मुझे चेस नहीं आती. आपको नहीं आती? नहीं. फिर तो जरूर खेलते, मैं जरूर जीतूंगा.
चेस नहीं नहीं खेलूं। तो एक काम करते मेरी डायरी पढ़ लीजिए। मुझे नहीं पढ़नी है। आप पढ़ लीजिए प्लीज। दस बनियान चार पजामे। अरे ये तो कन्नड़ा में लिखा है, मुझे कन्नड़ा आती है। अरे लगता है गलती से मैं मेरी धोबी की डायरी दे। एक्चुअली मुझे लिखने का इतना शौक है, मैं जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे लिख देता हूँ। अरे आपको यकीन नहीं होता तो इसके वॉशरूम जाके देख लीजिए एयरपोर्ट पे, वहाँ पे भी मैंने अपने ये पेन चलाया हुआ है। मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। तेरे पोटली लेकर तेरा मसीहा। अरे किसका बच्चा गुम हो गया? कौन रो रहा है? हेलो, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं कैलासा हूँ। अरे कैलासा तू है? अरे माफ करना बेटा, मेरी आंख लग गई थी। कोई बात। वैसे दिन हो रहा है या रात? देखो ना बाहर चांद है या सूरज? कोई आइडिया नहीं, मैं यहाँ पर नया नया आया हूँ, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम? जी। क्या कैसे आना हुआ यहाँ पर? एक्चुअली मैं फॉरेन जा रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया। क्या बात है, आउट ऑफ इंडिया? कहाँ? नेपाल जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो अरे नेपाल की फ्लाइट तो मिस हो गई। क्या नहीं तो? अरे वही तो, शिट, मैं लेट हो गया ना। कैसे? क्योंकि आते आते एक युवक के 500 की नोट खो गई थी। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। तू नोट ढूंढने में मदद कर रहा होगा ना? नहीं नहीं, दरअसल मैं उसके जाने का इंतजार कर रहा था। मैं उस 500 की नोट के ऊपर खड़ा था। मैंने पहले ही सोच लिया था जैसे ही वो जाएगा मैं वो 500 की नोट ले लूंगा। ऐसे बिल्कुल बदला नहीं है तू। हाँ, बहुत दिनों बाद नजर आया। क्या कर रहा है आजकल? आजकल तो PhD कर रहा हूँ। वाह वाह, पढ़ाई लिखाई, डॉक्टरेट, PhD? नहीं नहीं, वो वाली PhD नहीं, PhD यानी पिज्जा होम डिलीवरी। आपको तो पता ही है पहले से ही मुझे फ्री में घूमने का शौक रहा। हाँ। और आजकल तो मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि फ्री में अमेरिका भी होके आ जाऊँ। हाँ, अमेरिका? वाह, लेकिन फ्री में कैसे जाएगा? मैंने कहा ना, मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ। ऐसे ही सोचने में थोड़ी पैसे लगते। For more funny videos, subscribe to our YouTube channel, Comedywalas. You can follow us on Twitter and our handle is Comedywalas. Mind blowing! Well, you can like our Facebook page on Comedywalas.